गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास नाइन्थ क्लास में जो लेक्चर है हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा रहे थे, मीन्स साइटोप्लाज्म का जो पार्ट था। हमारे पास दो पार्ट थे, एक पार्ट में हमारे पास इंक्लूजन मैट्रिक्स या साइटोसोल्स की बात हम कर रहे थे, जो लिक्विड मटेरियल्स जो प्रेजेंट था। दूसरा हमारे पास था सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स में हमने कई सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया बेटा, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गॉल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब पढ़ लिया बेटा। तो आज हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल है बेटा वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑर्गेनेल नंबर 5 माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है बेटा, इस ऑर्गेनेल को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट्स मीन्स ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जहां पर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है बेटा, जो सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब हर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को रन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। तो सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी कहां पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की शेप साइज स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है, शेप एंड साइज की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो बेटा शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, देखिए साइज जो है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.2 mm to 2 mm तक होता है बेटा। अगर इसकी शेप की बात करें तो इसमें भी साइलेंड्रिकल रोड शेप, ठीक है बेटा। अब रोड शेप के साथ 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 ये कैसी हो सकती है, स्पेरिकल भी हो सकती है, ठीक है, स्पेरिकल भी हो सकती है बेटा, और मतलब कई टाइप की शेप हो सकती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये तो नॉर्मल शेप की बात हम कर रहे हैं। अगर पोजीशन की बात करें, वेयर आर द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ठीक है ना, अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन, ठीक है, तो एक तरफ से तो आप ये समझ के चलिए बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका मतलब हर किसी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ठीक है बेटा, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी जो होती है उसमें नहीं होती बेटा। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीसी एक ऐसी सेल होती है जो मैच्योरेशन के बाद न्यूक्लियस को भी खो देती है, बाकी सेल ऑर्गेनेल तो अब्सेंट ही है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। बट बेटा यहां इसके लिए क्या होती है, रेस्पिरेटरी साइट्स होती हैं, जो एक तरीके से क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रियल साइट्स का काम करती हैं बेटा। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है बेटा वो रेस्पिरेशन में ही मदद करती है, उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ही उसका यूटिलाइजेशन है बेटा, उसी के बेस के ऊपर वो काम करती है। तो यहां पर भी जो है उसमें स्पेशल मेम्ब्रेन का फोल्ड बना हुआ रेस्पिरेटरी साइट होती है, उसी रेस्पिरेटरी साइट्स के बेस के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करती है बेटा, अपना वर्क परफॉर्म करती है। अब ये सब चीजें तो हमारे पास क्या है, शेप साइज स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर वे में शेप की बात करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, उसके डिफरेंट पार्ट्स है हमारे पास, उन डिफरेंट पार्ट्स के फिर फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है बेटा उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं बेटा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आप देखिए ये एक तरीके से आप इसको स्पेरिकल के नाम से बोल सकते हो। अब एक्चुअली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स होती है बेटा, ये मेम्ब्रेन्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो इनर फोल्ड बनाए हुए हैं, स्पेशल इनर फोल्ड इसमें प्रेजेंट है बेटा, और ये इनर फोल्ड्स जो होते हैं इन्हीं फोल्ड्स के बेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई है बेटा, देखिए ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का हमने एक टीएस काटा और उस टीएस के बेस के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाई बेटा। अब एक्चुअली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो होती है बेटा, इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
अब वो डिफरेंट पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं मैं उनको ड्रॉ करता हूं। देखिए दो माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेम्ब्रेन है बेटा, यहां पर एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मैं कम कम पार्ट बनाता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए बातें, ठीक है। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बताएंगे कि इसका रोल क्या होता है, ठीक है। ये अलग अलग रीजंस में ये पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना, पूरे के पूरे इनर मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ बहुत सारा रीजन और भी है बेटा ऐसे, ठीक। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पार्ट्स हैं, ये हमने बना दिया बेटा ऐसे, ठीक है ना। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में बेटा हमारे पास ये रीजन भी है ऐसे, ये रीजन है हमारे पास ऐसे, रीजन प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम आपको बताते हैं कि ये क्या चीज है बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, इस माइटोकॉन्ड्रिया को आप डिफरेंट शेप की बोल सकते हैं, अलग अलग टाइप के शेप है बेटा, ठीक है ना। इसके बाहर वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो रीजन है बेटा, इसमें भी एक स्पेशल फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड क्या होता है वो स्पेसिफिक नाम से हम आपको अभी सारे डिटेल में हम इसके पार्ट्स के बाहर के नाम बताएंगे बेटा, फिर उनके फंक्शंस बताएंगे कि कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या रोल प्ले करता है बेटा, वो सब चीजें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स है बेटा, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ठीक है। अब मैं इसको लेबल करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट जो पार्ट्स है बेटा उनके बारे में बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये पार्ट है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो रीजन है बेटा इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखिए दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है बेटा, ठीक है। इस स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बेटा। यहां पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच कंटेन फ्लूइड। अब देखिए आप एक तरीके से ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनी हुई है ना बेटा, ये स्पेशल स्ट्रक्चर, इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम क्या है, यहां पर हमारे पास इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है बेटा क्रिस्टे, क्या नाम है, क्रिस्टे, ठीक है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है बेटा, क्रिस्टे। इस स्पेशल स्ट्रक्चर में और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर है बेटा, जैसे ये है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम के नाम से बोलते हैं बेटा, या इसको एक और नाम से भी बोला जा सकता है जिसको बोलते हैं एबनॉट एफ वन पार्टिकल, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं एबनॉट एफ वन कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा, एफ वन कॉम्प्लेक्स के नाम से बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसको बोलते हैं पॉलीसोम, हालांकि ये राइबोसोम ही है बेटा, जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक तरीके से ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो तब बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास बेटा, इसको हम बोलते हैं आरएनए, ये क्या है हमारे पास है आरएनए। ये जो रेड कलर के आपको दिखाई देता है बेटा, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो रीजन है बेटा इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स के बेटा अपने फंक्शन है, सबका अपना रोल है बेटा, ठीक है। अब ये रोल क्या है, क्या है इनके फंक्शंस, मैं आपको बताता हूं। देखिए जो पार्ट्स प्रेजेंट है डिफरेंट पार्ट्स बेटा, तो ये जो पार्ट्स है बेटा एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन से नॉर्मली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी जैसे सेल वॉल होती है ऐसे ही ये मेम्ब्रेन बिहेव करती है। परमिएबल मेम्ब्रेन मींस हमने पहले बताया बेटा, ऐसी मेम्ब्रेन जो इजिली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, इजिली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, दिस वन इज द नेक्स्ट मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है,
परमिएबल होती है बेटा, ये क्या होती है, ये होती है सेमी परमिएबल। ये सेमी परमिएबल, आप इसको पता है कि परमिएबल तो इजिली ट्रांसपोर्ट करने में किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कर दे बेटा। यहां पर हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है, जो किसी भी मतलब सिलेक्टेड सब्सटेंस का ही ट्रांसपोर्ट करवाती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस की बात हमने की, और वो स्पेस क्या है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। इस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर बेटा स्पेशली मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जैसे यहां पर मैट्रिक्स लिखा है ना, मैट्रिक्स वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करने में मदद करती है, जो मीन्स एटीपी का ट्रांसपोर्ट करने में, एच आई एन कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने में इस तरीके से मदद करती है बेटा डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हमें मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है, एक तरीके से मैं याद लिख सकता हूं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा, क्या लिख सकता हूं ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हमने पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है कि उसमें वो सब आयंस, वो सब एटम्स, मोलिक्यूल्स, एंजाइम, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, वो सब डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो एक तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं। और वो कोलाइडल सॉल्यूशन से नेसेसिटीज के साथ कंसिस्ट है, मतलब कंप्लीटली उसमें नेसेसिटीज हैं, जो इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शंस में जिन भी एंजाइम्स की जरूरत होगी, जिन भी कैटालिस्ट्स की जरूरत होगी बेटा, वो सब हमें कहां से मिलते हैं, इस ट्रू सॉल्यूशंस में ही प्रेजेंट है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद बेटा हमारे पास आरएनए। यू नो हमने आप लोगों को एक बात बताई थी बेटा, आरएनए एंड प्लाज्मिड की बात करें हम जिसमें डीएनए है, प्लाज्मिड की बात करें जिसमें क्या है डीएनए, ये दोनों पार्ट्स वो पार्ट्स है बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ डुप्लीकेशन, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी होती है ऑटो रेप्लिकेशन भाई, या सेल्फ डुप्लीकेशन, ठीक है ना, सेल्फ डुप्लीकेशन यानी खुद की कॉपी, खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकती है। अब उसके लिए क्या चाहिए बेटा, डीएनए चाहिए, और डीएनए बता दिया मैंने आपके पास प्लाज्मिड की फॉर्म में, इसमें डीएनए प्रेजेंट है, वैसी की कॉपी के लिए आरएनए रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों के दोनों पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, दोनों के दोनों पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है जो डीएनए का सिंथेसिस करने में मदद करते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, राइबोसोम और पॉलीसोम्स, ठीक है ना, राइबोसोम एंड पॉलीसोम्स बोथ आर द सिमिलर पार्ट, बोथ आर सिमिलर पार्ट। अब इनका मतलब क्या है बेटा, देखिए राइबोसोम सिंगल है, पॉलीसोम बहुत सारे राइबोसोम है, दोनों को काम क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब एक्ट एज ए प्रोटीन फैक्ट्री, जो किसका काम करती है, प्रोटीन फैक्ट्री का काम करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिस्टे जो पार्ट है बेटा वो क्या चीज है, देखिए इट इज द मेम्ब्रेनल इनर मेम्ब्रेनल फोल्ड, क्या चीज है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड, ठीक है बेटा, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स है। अब ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड क्या काम करते हैं, देखिए प्रॉपर साइट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए बेटा, इन पार्टिकुलर रीजंस को, और इन पार्टिकुलर रीजंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम है, ठीक है। मतलब बेटा हमने लिखा था स्टार्टिंग में, माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्ट एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट है जहां पर एनर्जी बनती है। अब वो एनर्जी कहां पर बनती है, देखिए ये स्पेशल जो ऑक्सीसोम है इट्स ए स्पेशल शेप दैट इज कॉल्ड द लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर को मैं यहां ड्रॉ करता हूं बेटा, देखिए उस स्ट्रक्चर को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, और उस मैं पूरे को साफ कर देता हूं, आपको स्ट्रक्चर आपको पता चल गई होगी बेटा, आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करें, बार बार बनाकर देखेंगे तब आपको ये बहुत बड़ी अच्छी तरीके से आएगी, और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटा किसकी, ऑक्सीसोम की, ऑक्सीसोम जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक और नाम हमने बताया एफ नोट एफ एन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या पार्टिकल बोल सकते हैं। इसमें देखिए स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें बेटा, उस स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कुछ इस टाइप की थी बेटा, ठीक है ना, वो जो स्ट्रक्चर थी बेटा इस तरीके से थी,
यहां पर वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है ना, यहां पर क्या थी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है, यहां पर इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रेजेंट थी बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन है इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट थी। अब इस पार्टिकल में देखिए ये जो रीजन है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं स्टार्क, इसको क्या बोलते हैं स्टार्क, और ये क्या है बेटा हेड, ठीक है, इस तरीके से रीजन है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एनर्जी के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस में एडीपी एटीपी ये सब चीजें प्रेजेंट होती है, यानी यहां पर क्या होता है एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है बेटा, ये इसके थ्रू जाती है तो यहां पर बन जाता है एडीपी। इसके लिए क्या होता है आयंस आते हैं बेटा, आयंस क्या, आयंस एच पॉजिटिव आयंस, यानी प्रोटोन आयंस जो आते हैं उसके साथ ही होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इस हाइड्रोजन के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती है बेटा, कौन सी एंजाइम्स होती है, इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम एटीपीएज, एटीपीएज एंजाइम, उस एटीपीएज एंजाइम्स की सहायता से जो आयन ट्रांसफर होते हैं वो आयन ट्रांसफर होने के बाद यहां पर बनते हैं एटीपी। और आप सब लोगों को पता है कि एटीपी जो होते हैं विच एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी, जो किसका काम करती है एटीपी, किसका काम करती है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है बेटा, एडिनो एडिनो सीन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है बेटा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट विच एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी, जो किसका काम करती है बेटा, एनर्जी करेंसी का। क्यों, जब एक एटीपी टूटता है बेटा तो उसके अंदर से क्या निकलता है, एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस में एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरी में एनर्जी निकलती है बेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट है ये। जब एक एडीपी टूटता है तो वो बन जाता है एएमपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसमें से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, तो एक लार्ज अमाउंट है एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एनर्जी करेंसी भी है और इसके अंदर ऑक्सीसोम जो ऑर्गेनेली है बेटा वो स्पेशल वर्क करती है, और वो स्पेशल वर्क क्या है ये सब। अब हमारे पास फंक्शन की बात करते हैं बेटा, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, फंक्शन है इट एक्ट एज ए प्रोटीन, इट एक्ट एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। तो फंक्शन में हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी करेंसी, ठीक है बेटा, एनर्जी करेंसी कौन सी, एटीपी, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से बोलते हैं। तो ऐसे में हमारे पास ये फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हमारे पास है प्लास्टिड। यू नो प्लास्टिड का मतलब क्या होता है, प्लास्टिड का मतलब होता है कैसी ऑर्गेनेली जो कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट है बेटा जो एनिमल्स में और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, और वहां पर स्पेशल साइट होती है। बट प्लास्टिड ऐसा पार्ट है बेटा, ठीक है, देखिए प्लास्टिड जो पार्ट है बेटा उसमें क्या होता है, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बेटा प्लास्टिड, प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स मीन्स अगर इसकी पोजीशन की बात करें कहां पर प्रेजेंट है, अकरेंस की नेचर की बात करें, ठीक है ना, पोजीशन एंड अकरेंस बेटा देखिए, इट इज प्रेजेंट इन ए
विच प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, ठीक है, और एबसेंट एबसेंट इन एनिमल्स सेल्स। समझ गए बेटा, प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में ये एबसेंट होते हैं बेटा। अब बात हमारे पास इसकी टाइप्स से स्टार्ट होगी। देखिए इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड्स की मेन तीन टाइप्स हैं। आप ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड की तीन टाइप है बेटा। कौन कौन सी टाइप है, वो टाइप हमारे पास है, नंबर वन क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है बेटा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या हमारे पास क्या है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है प्लास्ट। तो ये टाइप है हमारे पास बेटा। अब इनमें से मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रोमोप्लास्ट, नाम से पता चल रहा है कलर्ड प्लास्टिड बॉडी, ठीक है ना, कलर्ड बॉडी, कलर्ड बॉडी, यानी प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। जैसे फ्लावर के कलर की बात करें, कोई फ्लावर येलो है, कोई रेड है, कोई पिंक है, कोई ऑरेंज है, मतलब कोई ब्लू है, तो वो सभी कलर जो होते हैं बेटा वो इस क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। समझ गए ना, किसके कारण आते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट की बात करें ना बेटा, तो ये किसके लिए है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर, ठीक है, किसके लिए बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रीन कलर, ठीक है बेटा, किसके लिए है, ग्रीन कलर के लिए। और जो प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है ना, उस ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद क्या है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट मतलब एक ऐसी ऑर्गेनेली, एक ऐसा प्लास्टिड, प्लास्टिड विदाउट विदाउट एनी कलर, एनी कलर, किसी भी कलर के बगैर, यानी हम इसको बोल सकते हैं कलरलेस, इसको क्या बोल सकते हैं, कलरलेस, और हेल्प इन स्टोरेज, ठीक है बेटा, किसको स्टोर करता है, प्रोटीन्स को बेटा, कार्बो हाइड्रेट्स को, ठीक है भाई, ऑयल्स को, मतलब लिपिड्स को, लिपिड्स को, तो ये स्टोरेज का काम करने का काम करता है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे टोटल कंडीशन में से हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम इसमें से पढ़ाएंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब इस क्लोरोप्लास्ट को देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं, इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। देखिए बेटा क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, दैट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, हमारे पास क्या है बेटा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, किचन ऑफ द सेल, तो मतलब जहां पर फूड प्रिपरेशन होता है बेटा उसी को बोलते हैं, और मींस ए साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, आप ये बोल सकते हो ए साइट वेयर, ठीक है बेटा, कहां क्या होता है, ए साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ऐसी जगह जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है बेटा। अब देखिए इसकी प्रेजेंसी की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में होता है बेटा, जहां पर फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है वहां पर, यानी प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होता है
उस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बेटा, तो स्पेशल साइट्स वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें क्लोरोप्लास्ट की, तो बेटा शेप साइज यहाँ पर भी अलग अलग हो सकती है, कोई रॉड शेप है, कोई इलोंगेटेड शेप है, फिलामेंटस शेप है, सर्कुलर है, राउंडेड शेप है बेटा। अब क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी वेरी कर सकता है, डिफरेंट सेल टू सेल्स क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी करता है। जैसे क्लेमाइडोमोनाज एल्गी जो प्रेजेंट होती है बेटा, उसमें एक सिंगल कप शेप क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। स्पायरोगायरा जो, उसमें स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, कहीं पर एस्ट्रा शेप का है बेटा, कहीं पर किसी शेप का है, किसी में नंबर में ज्यादा हो सकता है। जैसे कारा सेल्स, उसमें बहुत ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बेटा। तो इसके बेस के ऊपर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना, क्या हमारे पास स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें क्लोरोप्लास्ट की, तो स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास। देखिए मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं क्लोरोप्लास्ट की। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसे ही हमारे पास लगभग किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, क्लोरोप्लास्ट की है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है बेटा, देखिए यहां पर भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, और यहां पर जो मेम्ब्रेन की इनर पार्ट है बेटा, वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है। वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होती है हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, उसी स्पेशल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर ही जो वर्क होता है वो क्या होता है। देखिए यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर ये है बेटा कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है बेटा, जैसे ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हमने बना दी यहां पर, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास प्रेजेंट है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्पेशल नाम से बोलते हैं, और क्या है वो स्पेशल नाम हम आपके सामने उसको बताएंगे। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, देखिए यहां से इनके साथ ये आपस में अटैचमेंट होती है, ठीक है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच भी होती है बेटा ऐसे, ठीक है ना, ये इसके साथ अटैच है, ठीक है, ये यहां से इसके साथ अटैच है बेटा, ये इसके साथ अटैच है, ठीक है, ऐसे अटैचमेंट होगी उनकी, यहां से भी अटैचमेंट होगी, ये इसके साथ भी अटैच है और ये इसके साथ भी अटैच है, ठीक है ना, यहां पर होती है। इसके अलावा वही पार्टिकुलर कंडीशंस बेटा कुछ और भी हैं कि इसके पास भी अपना प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें भी आरएनए प्रेजेंट है बेटा, इसमें भी आरएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है बेटा, ये राइबोसोम्स है, और पॉलीसोम्स की फॉर्म्स में भी प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर, वो पॉलीसोम्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, बाकी फूड पार्टिकल्स ये सब चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से ये सब चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल्स वगैरह सब चीजें इसमें प्रेजेंट है बेटा। तो हर किसी पार्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है हर किसी पार्ट की, ठीक है ना, हर किसी पार्ट की इंपॉर्टेंस है यहां पर। ये इंपॉर्टेंस है बेटा हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूं। ये हमने बना लिया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके नाम मैं लिखता हूं, ठीक है ना। तो देखिए पार्ट्स हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे मेन जो रीजन की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले मेम्ब्रेन, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में परमिएबल है, तो यहां पर भी परमिएबल है बेटा। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल की बात की थी, तो यहां पर भी बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है। उसके बाद देखिए ये स्पेशल स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेलिकॉइड, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इस स्पेशल स्ट्रक्चर को प्रॉपर तो बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम बेटा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना इसको ग्रेनम बोलते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेकोइड, क्या बोलते हैं बेटा, थैलेकोइड, ठीक है, ये क्या है, थैलेकोइड्स। और बेटा इन्हीं थैलेकोइड्स के पास है ना, यहां पर इन्हीं थैलेकोइड्स के पास पिगमेंट होती है, ठीक है ना, इन्हीं थैलेकोइड्स के पास पिगमेंट होती है बेटा। और वो जो पिगमेंट आपको पता है, अगर हम थैलेकोइड्स की स्ट्रक्चर देखें, यहां दिखाए ना आपको, ये थैलेकोइड है बेटा मान लीजिए, ठीक है, इसी थैलेकोइड्स की स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ही ये
ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखाई दे रहा है बेटा, ये पिक्चर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें जो ये ग्रीन पार्ट है यही है बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है बेटा, ये क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं? फ्रिट्स बोल सकते हैं आप, या लैमेले फ्रिट्स, और बेटा क्या बोल सकते हो? लैमेले। ठीक है ना, लैमेले। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या है बेटा? जिस वन इज द प्लास्टिड्स। ठीक है, ये आरएनए है, आरएनए। ठीक है, अब उसके साथ साथ ये जो रीजन है बेटा इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरा नाम है स्ट्रोमा। दूसरा नाम क्या है बेटा? स्ट्रोमा। क्यों मैं बता रहा हूं? ये सब पार्ट्स का रोल है बेटा। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं पॉलीसोम। ये बेटा राइबोसोम, राइबोसोम। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में है ऐसे इसमें 70 एस टाइप के राइबोसोम है बेटा। ठीक है, तो आप देखिए इन डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन बताते हैं बेटा। ये जो डिफरेंट पार्ट्स इनके क्या फंक्शन है देखिए बेटा, ये एक ऐसी साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर मेन दो पार्ट है बेटा जो 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 बहुत जरूरी है। कौन कौन से पार्ट है? एक तो बेटा ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है ना, ग्रेना ये बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट है बेटा स्ट्रोमा, या जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों होता है मैं आपको एक बार इसको साफ करता हूं आगे से बेटा, इसके लिए क्यों है ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा प्लांट के केस में या इस पार्टिकुलर रीजन में दो रिएक्शन होती हैं। वन इज द लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है बेटा जिसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बोथ रिएक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहां पर ये जो रीजन है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए बेटा आउटर मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया जिसका काम क्या है, सिर्फ एक परमेबल मेम्ब्रेन है जो बाउंड्री एग्जिस्ट करवाती है इस ऑर्गेनेल को। इनर मेम्ब्रेन जिसकी फोल्डिंग बनी हुई है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उस फोल्डिंग्स में इसने स्पेशल स्ट्रक्चर बना रखी है जिसको हमने फ्रिट्स बोला था या लैमेले बोला था बेटा, जो एक दूसरे ग्रेनम्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ये प्रॉपर प्लेट लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो आपस में रखी है बेटा बेटा इसको ग्रेनम बोलते हैं। और इस ग्रेनम्स के अंदर ये जो प्लेट्स हैं बेटा, ये प्लेट्स थैलेकोइड्स बोली जाती है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी फोटोसिंथेसिस इसी की सहायता से होता है। देन उसके बाद देखिए बेटा हमने कहा है प्लास्टिड यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हमने ऑटो रेप्लिकेशन की बात की थी, सेल्फ डुप्लीकेशन की बात की थी बेटा, वही सेमी कंजर्वेटिव नेचर्स ऑटो रेप्लिकेशन सेल्फ डुप्लीकेशन प्रॉपर्टी इस प्लास्टिड के पास यानी क्लोरोप्लास्ट के पास भी प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ देखिए बेटा पॉलीसोम्स राइबोसोम्स मींस बोथ आर द राइबोसोम्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद बात आती है ग्रेनम की या ग्रेना या मैट्रिक्स। मैंने कहा कि इसमें लाइट रिएक्शन होती है बेटा, और लाइट रिएक्शन होती है सन लाइट की प्रेजेंस में, जिसमें वाटर का ब्रेकडाउन होता है, एच आयन कंसेंट्रेशन मेंटेन होती है, और बेटा ऑक्सीजन रिलीज होती है। आपसे कोई भी ये पूछ सकता है वेयर आर द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, तो लाइट रिएक्शन होती है बेटा इन पार्टिकुलर रीजन के अंदर जिसको हम ग्रेनम के नाम से बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां होती है बेटा? डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि रात को होती है, नो। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक तो होती है बेटा लाइट रिएक्शन का मतलब होता है फोटोकेमिकल जिसको लाइट की जरूरत होती है, और डार्क रिएक्शन का मतलब होता है थर्मोकेमिकल यानी जो हीट की जरूरत होती है, भले वो छाया हो बेटा वहां पर वो होगी। तो इसमें फूड की प्रिपरेशन होती है, यहाँ पर फूड की प्रिपरेशन एनर्जी की प्रिपरेशन होती है। इसके इसमें क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। तो अगर हमें टोटली क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड एक ऐसा रीजन है बेटा जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करता है।
दूसरा क्लोरोप्लास्ट की बात अगर हम करें तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है बेटा वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। किसी भी सेल में जब प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो उसे क्या बनती है, एनर्जी बनती है बेटा, ग्रीनरी इंक्रीज होती है, एनर्जी बनती है और ग्रीनरी इंक्रीज होती है बेटा। अब ये सारे के सारे एप्लीकेशन है और आप सबको पता है क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल्स। तो आज के लेक्चर में बेटा हमारे पास इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग्स ऑर्गेनेली हमारे पास प्रेजेंट है उनको हम बताएंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। बेटा बहुत सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप वीडियो को देखें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, आप पढ़ोगे नहीं तो फिर नॉलेज नहीं आएगी, फिर एग्जाम्स कैसे होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो फ्यूचर में होने हैं उसको कैसे फेस करोगे। तो मैं आप सबसे यही आशा करता हूं बेटा आप प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में कंप्लीट वीडियो वॉच करें, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होना है बेटा, ठीक है। तो बेटा आज हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।